अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, और दोस्तों साथ ही में मैं आपको मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लाल फटकरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों लाल फटकरी को इंग्लिश के अंदर रेड एलम बोला जाता है। वाई डी जो है इंग्लिश हर्बल चाइनीज देसी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होता है ये, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे एलुमिनियम पोटाशियम सल्फेट बोला जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है Ke(AL)N2S4)2 है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए सफ़ेद फटकरी के हवाले से भी वीडियो बना के दे चुका हूँ, यानी वाइट एलम के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूँगा, तो जाके आप सफ़ेद फटकरी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद फटकरी और लाल फटकरी के बेनिफिट्स करीब करीब सेम है। और दोस्तों सफ़ेद फटकरी थोड़ी तेज़ होती है, लाल जो फटकरी होती है थोड़ी लाइट होती है इस्तेमाल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ लाल फटकरी के हवाले से। दोस्तों लाल फटकरी के अंदर पोटाशियम का अंतर पाया जाता है, अल्मीनियम होता है इसके अंदर, सल्फर होता है, और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है आपस में। और दोस्तों दिखने के अंदर चमकदार सुर्खी माइल लाल रंग लिए होती है और बिल्कुल काले नमक की तरह की नजर आती है। दोस्तों जब इसे टेस्ट किया जाता है जुबान को खुश करती है, इसका मसाज भी गर्म खुश्क है। और दोस्तों इसे मर्दाना जनाना जिनसी अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रहम के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई जख्म है, उसे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों रहम की तंगी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों लाल फटकरी को पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अशुभ चश्म के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बवासीर के मसलों को खुशक करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों गले की इन्फेक्शन के लिए, माउथ के इन्फेक्शन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दांत अगर हिलते हैं उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दाँत दर्द और दांत के दर्द के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बेहतरीन एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। जो कट्स लग जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, दाने जो हो जाते हैं, वम हो जाता है, उसे दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो अक्सर शुगर के मरीजों को कोई दाना निकले, कोई रातगढ़ निकले, कोई फोड़ा वगैरह फिंसी वगैरह निकले, तो वो बहुत मुश्किल के साथ ठीक होता है। तो आप जो है लाल फटकरी का मनूल बना कर वहाँ लगा सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो जख्म जो है जल्दी खुश्क हो जाता है। और दोस्तों जख्मों को दानों को खुश्क करने के लिए लाल फटकरी से भरकर कोई और चीज़ नहीं है, इसे आप जो है पेनिडिल स्प्रेड वगैरह के आल्टरनेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों खून को रोकता है, हैज की ज्यादती के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ख़ास मर्दाना जिनसी अमराज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जरियान एहतलाम सूरत अंजाल के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जिनसी वक्त में इजाफा करती है लाल फटकरी। सो लाल फटकरी आपको हर छोटे बड़े पंसारी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों आप इसे ऑनलाइन हर्बल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, कीमत में भी सस्ती है, आसानी के साथ मिल जाएगी। चलो दोस्तों ये तो थे लाल फटकरी यानी रेड एलम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों अगर लाल फटकरी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सेफ है, लेकिन अगर इसे इनटेक लिया जाए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो इससे आपके जो है फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों मैदा मुतासर हो सकता है, आंतों के अंदर खुश्की हो सकती है। और दोस्तों इस वजह से आपने लाल फटकरी को अगर आपके पास मुस्तरद नुस्खा है तो उसके हवाले से इस्तेमाल करना है, या किसी अच्छे हकीम से, हर्बलिस्ट से, न्यूट्रन एक्सपर्ट से पूछ लेना है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लाल फटकरी यानी रेड एलम के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद कोई सवाल है लाल फटकरी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो दोस्तों मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के बारे से पूछना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यों नहीं कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली अजीम को इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।